बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ टमाटो कैचअप की। टमाटर आप सस्ते हो गए हैं तो आप ले लीजिए और ढेर सारी आप कैचअप बना के रखें, अपने बच्चों को दें। तो टमाटर इसमें जो आपने लेने हैं वो बिल्कुल सुरख टमाटर लेने, लाल रंग के टमाटर लेने, और टमाटर ख़राब नहीं होना चाहिए, और सब्ज़ टमाटर भी ना लें। तो मैंने ये 2 kg टमाटर लिए, 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 cup विनेगर है, सफ़ेद सिरका, 1 teaspoon नमक, 1/2 cup चीनी, और ये मैंने एक प्याज लिया था उसको इस तरह काट लिया, और ये लहसुन 6 मैंने गार्लिक क्लोव्स लिए, और ये जिंजर 5 से 6 अदद लौंग है ये वाली, और एक टुकड़ा ये दार चीनी का है, इससे एक साइज एक और बड़ा ले लीजिएगा, दो दो टुकड़े हो जाएंगे, इससे बड़ा होगा। और कुछ मैंने काली मिर्चें ली हैं 1/2 teaspoon के करीब, ये काली मिर्च साबुत काली मिर्च लेनी है। टमाटर में 1 glass ये पानी डालेंगे, अब इसको हम इस तरह बांध लेंगे जैसे एक स्पाइस बैग तैयार करते हैं, इसको स्पाइस बैग भी ही कहते हैं। अच्छी तरह इसकी नोट लगाएंगे ताकि खुले मत, और ये आप वाइट कपड़ा ही लेंगे, मलमल का लेंगे, या कोई भी आप लॉन का कपड़ा ले लें, लेकिन आप कलरफुल नहीं लेंगी, इसको वाइट लेंगे। अगर कलर लेंगी तो जैसे ही हम डालेंगे टमाटर वगैरह में तो इसका कलर निकल सकता है, कलर वैसे भी नुकसान दे। इस तरह डाल के इसको ढक्के में रख दूंगी ताकि ये नरम हो जाए। टमाटर गल चुके हैं, अब मैं इसको ठंडा करूंगी, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको मैं ग्राइंड करूंगी, और स्पाइस बैग इसके अंदर ही रहने दूंगी, उसको नहीं निकालूंगी, वो इसके अंदर ही रहेगा, और मैंने इस फ्लेम को ऑफ कर दिया। बस अब इसको ठंडा करेंगे। ये अब ठंडा हो गया, और ये जो मैंने मसाले डाले थे इसको मैं ऐसे निचोड़ लूंगी, लेकिन ये बाद में जरूर दोबारा इसको इस्तेमाल करेंगे, अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, इसको खोलना नहीं है। और ये सारा जो मिक्सचर है ये मैं अब इसमें डाल दूंगी, इसको ग्राइंड करूंगी। अब इस तरह बारीक छाननी लेंगे, और ये बारीक लेनी है, मोटी नहीं लेनी आपने, और इसको मैं छान लूंगी। ये पहले मैं इसको धो लूं ताकि ये जो बीज हैं टमाटर के ये भी सारे साफ हो जाए। ये मैंने सारा छान लिया है, और इसको इस तरह छानेंगे, बारीक सीफ लेंगे आप, ये देखिए छिलके और जो टमाटर के बीज है वो अलहदा हो गए, और इसमें बिल्कुल मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, बल्कि डालने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि हमने इस तरह इसको छानना है, और मैंने इसमें फूड कलर भी नहीं डाला, टमाटर्स खुद ही इतने अच्छे लाल रंग के थे कि इसका खुद ही कलर इतना अच्छा आएगा। अच्छी तरह इसको ऐसे करें ताकि इसका सारा जूस निकल जाए, और ये बीज और छिलके अलहदा हो जाए। ये हो गए, अब मैं इनको अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक, लाल मिर्च पाउडर, और ये दोबारा से ये स्पाइस बैग इसमें जाएगा, चीनी, ये वही स्पाइस बैग है जो शुरू में डाला था, इसको दोबारा मैंने डाल दिया साफ करके, ताकि इसके अंदर भी कोई अगर बीज है टमाटर के तो वो निकल जाए। इसको मिक्स करेंगे, अभी मैंने सिरका नहीं डाला, सिरका मैं लास्ट में डालूंगी, इसको अच्छी तरह पकाएंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप चीनी अपने हिसाब से थोड़ी सी फिर ज़्यादा कीजिएगा, इससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना कर दीजिएगा वरना मीठी मीठी बनेगी। 1/2 cup मैंने आपको चीनी कही है तो इससे बिल्कुल थोड़ी सी ज़्यादा कीजिएगा अगर आप मीठा तेज़ खाते हैं। और अभी इसको हम और पकाएंगे। ये केचप पक पक के देखिए ये बिल्कुल गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब इसको मैं निकाल दूंगी स्पाइस बैग को, ये इसके बबल्स आना शुरू हो गए हैं और ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। अब ये स्पाइस बैग मैं निकाल दूंगी, अच्छी तरह इसको निचोड़ के आप निकालें, और ये अभी इसको चेक करेंगे, लेकिन इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसके साइडों पे अगर पानी है तो इसका मतलब है ये भी और पकेगी, जब इसका ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा
तो ये हमारी केचप तैयार हो जाएगी, बिल्कुल गाढ़ी होनी चाहिए इसको मैं। हाँ ये अभी पानी है इसमें, तो अभी मैं केचप को और पकाऊंगी और अभी इसमें सिरका मैं डाल दूंगी। जब ये पक के बिल्कुल आधी रह जाए और बिल्कुल इस पोजीशन पर हो कि काफ़ी हद तक ये गाढ़ी है और थोड़ा सा इसमें अभी पकना बाकी है, तो इस पोजीशन पे आप इसमें सिरका डाल देंगे और इसको मज़ीद में पकाऊंगे। ये केचप अब बिल्कुल तैयार है, इसको दोबारा हम चेक कर लेते हैं। ये देखें ये बिल्कुल अब बन चुकी है, इसमें अब पानी साइडों पे नहीं आ रहा। अभी बंद कर देंगे हम इसका चूल्हा। मज़ेदार घर की केचप तैयार है, इसको आप ट्राई करें और इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी और बगैर कॉर्नफ्लोर के इतनी अच्छी और इतनी थिक ये केचप बनी है। देखा आपने, ये देखें। आप मेरे YouTube चैनल हादियास कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, तीन ऑप्शंस आएंगे उसमें से ऑल पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं हम अगली किसी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।